यार दुख तो होता है, और दुख उनको नहीं होता है जिनको पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, दुख उनको होता है जिनको उम्मीद रहता है, जिन्होंने मेहनत किया होता है ना, दुख उनको होता है। तो दुख को होने दो, होना भी चाहिए इस सिचुएशन पे, इस समय पे होना भी चाहिए यार। लेकिन मैं ना तुम्हें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अभी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, मैंने इस बार कम से कम 20-25 बच्चों से मिला हूँ जिनके लास्ट ईयर मार्क्स 350, 400, 325, 550, 575, 580 ऐसे थे, और उनके मार्क्स 620 प्लस इस बार आ रहे हैं। मतलब होता है ऐसा कि जो 650 पे आज है वो अचानक से 650 पे नहीं आए। हाँ, कुछ अपीयरिंग में बच्चे होते हैं, बहुत सारे वो भी सिलेक्ट होते हैं, लेकिन जो मार्क्स आप 660 देख रहे हो उसमें सभी बच्चों के पहली बार में इतने नहीं आए हैं। पहली बार में उसके 450, 550 ऐसे नंबर थे और यहां तक आए हैं। और कैसे आए हैं, सब में दो तीन चीजें बहुत कॉमन थी। पहला, रेगुलर क्लास लेना। क्लास में बैकलॉग आता है, सभी बच्चों के आता है, लेकिन वो कवर अप कर लेते थे। तो सबसे पहली बात, रेगुलर क्लास लेना। अगर आप रेगुलर क्लास ही नहीं ले पा रहे हो तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो, सोचो भी मत। दूसरा, प्रॉपर नोट्स बनाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नोट्स के सारे, डीपीपी के सारे पहले, उसके बाद अगर आप कितना कर पा रहे हो तभी किसी बुक पे जाना। दो कॉमन बातें हो गई, हर क्लास करना, नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। थर्ड, सारा टेस्ट देना, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना। चौथा, रोज पढ़ाई करना। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिए 12-12 घंटे और 5वें दिन आप पढ़ नहीं रहे हो, रोज पढ़ाई करना, चाहे होली हो, दिवाली हो, आपका बर्थडे हो या आपका ईद हो, कुछ भी हो, रोज पढ़ाई करना, रोज पढ़ाई करना, हर रोज पढ़ाई करना, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। पांचवा, डीमोटिवेट वो भी होते थे, उनको भी लगता था कि सिलेक्शन नहीं होगा, उनसे भी सवाल नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार चल रहे थे। तो पांच बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हर क्लास लेना, बैकलॉग हो भी जाए तो उसको अच्छे से कवर करना। दूसरा, नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डीपीपी करना। तीसरा, हर टेस्ट देना, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना। चौथा, उनमें डीमोटिवेशन होता था, उनको भी लगता था उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो लगातार पढ़ते रहे, गिव अप नहीं किया, लगातार चलते रहे। पांचवा, रोज पढ़ाई करना, कभी भी पढ़ाई से पीछा नहीं छोड़ना। तो ये डेडिकेशन और जुनून चाहिए इस पांचों चीजों को मेंटेन करने के लिए, और ये पांच चीज लगातार आप मेंटेन कर लेंगे, आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। क्लियर है? 139-250 बच्चे बोल रहे हैं, तो भाई इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, ऐसे ही सपने में जाके पेपर दिया था, इसका मतलब तो यही है ना। इतने नंबर तो 150-200 नंबर 250 नंबर तो बायोलॉजी में अकेले अकेले आ जाते हैं यार, 100 से 600 जाया जा सकता है, जाया जा सकता है। 8 महीने 7 महीने काफी होते हैं, 100 से 600 भी जाया जा सकता है। 100 से 600 भी जाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करो कि तुम्हारे 100 क्यों आए, और क्या तुम्हें आज से लेकर के एग्जाम तक रोज 15+ आवर पढ़ाई करने की क्षमता है बिना डिमोटिवेट हुए हुए। डिमोटिवेशन आए भी तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो जीवन में मुझे बस पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है। अगर तू ये सोच के एग्जाम तक पढ़ लिया तो 100 से 600 तक चला जाएगा, बशर्ते कि तू बैकलॉग ना आने दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कर, सवाल ना हो तो डिमोटिवेट मत हो। 10 में से 2 भी सीख रहे हो बहुत बड़ी बात है, कल 4 सीखोगे। 10 में से 5 भी सीख रहे हो बहुत बड़ी बात है, कल 6 सीखोगे। नंबर कितने भी आए उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, लगातार चलते जाओ, चलते जाओ। जितना भी डीमोटिवेशन है रुको मत, चलते जाओ, अपना 100% बेस्ट दो, बिना कुछ सोचे समझे रोज 14-15 घंटे तैयारी करो। ये अगर तूने कर लिया 100 से 600 तक आराम से चला जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। लेकिन होगा नहीं ना डीमोटिवेशन, सोचेंगे, परेशान होंगे, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अरे, आग लगाने की क्षमता होनी चाहिए तभी हो पाएगा, पूरी दुनिया को छोड़ दो। अच्छा, छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया को छोड़ दो, किसी से कोई मतलब नहीं रखो, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। चलिए अपना बेटा, जो भी हुआ एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, कम से कम आज से ही तैयारी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जिंदा होना, जीवन जीना है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा ना।